संचालन कर रहे परम आदरणीय श्री विद्यासागर जी व इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय श्री राहुल देव अग्निहोत्री जी व साथ में सभी सम्मानित मंच को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। व साथ ही साथ यहां पर बैठे हुए एक युवा शक्ति के रूप में समूचे विश्व को मैं प्रवेश करके हृदय से प्यार भरा नमस्कार करता हूं व साथ ही साथ उनके माताओं पिताओं को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनके चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रदेश में जो हालात चल रहे हैं कि एक आपके ईमानदार सेवक को आपकी सेवा करने के रोकने के लिए सभी लल्लू भैया और पप्पू भैया एकजुट होकर के उनको रोकना चाहते हैं। तो यह हालात देखकर मुझे चालक द्वारा कही गई 25 वर्ष पहले की एक बात याद आ गई कि जब भी विरोधियों में खलबली मच जाए और विरोधी एकजुट होकर के लगने लगे तो समझ लो देश का राजा चरित्रवान और देश प्रगति मार्ग पर अग्रसर है। परंतु भाइयों, आप लोगों को एक बात बता दूं कि लोमड़ी चाहे कितनी भी चालाक क्यों न हो लेकिन जंगल का राजा शेर होता है कि नहीं होता भाइयों? और ऐसे शेर के रूप में मुझे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिल चुका है। आज के कुछ वर्ष पहले 125 करोड़ देशवासियों के देश भारत के प्रधानमंत्री, 25 करोड़ के देश अमेरिका के राष्ट्रपति से 16 करोड़ के देश पाकिस्तान के लिए जाकर कहते थे कि पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवादी भेजता है। आज देखिए हमारे राजा की हिम्मत, आज हमारे राजा ने हमारे सैनिकों में वो जोर भर दिया है कि बॉर्डर पर खड़ा हुआ हर सिपाही कहता है कि विश्व के जिस किसी भी देश की हिम्मत हो हमारे यहाँ आतंकवादी भेजो, हमारे सैनिक उनको निपटाने के लिए तैयार खड़े हैं। अरे यहाँ तो नहीं, हम आपको घर में घुस करके मारने के लिए तैयार खड़े हैं। भाइयों बहनों, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, एक छोटी सी बात आपको और कहना चाहता हूँ कि जो माहौल बन रहा है आप लोग चेत जाइए, अगर अभी नहीं जागे तो इसका दुष्प्रभाव आपके पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। आपको याद होगा अभी इसके पहले जब बहन मायावती जी ने अपनी टिकटों का बंटवारा किया था तो मैंने एक बात रीड की थी, आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, मीडिया के माध्यम से कहा था कि मैंने इतने कटिहारों, इतने ब्राह्मणों, इतने ठाकरों और इतने वैश्यों को वोट टिकट दिया है और एक तरफ दूसरे धर्म के लिए कहा था कि मैंने इतने मुसलमानों को टिकट दिया है। भाई ये सोचने वाली बात है, तब आपने ये क्यों नहीं कहा था कि मैंने इतने खानों, इतने पठानों और इतने स्याहों को टिकट दिया है? क्या जातियों का बंटवारा सिर्फ हम ही लोगों में दिखाई पड़ता है? तो मेरे मित्रों, आपसे पुनः अपील करना चाहता हूं कि आपके भोगनीपुर सीट से आपके सेवक के रूप में आए हुए विनोद कटियार जी, जो आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं, केवल आपका अमूल मत लेने आए हैं, अगर आपने सही समय पर छेद कर उनको अमूल मत देकर विधायक बना दिया तो वो हमेशा 5 वर्ष सिर्फ आपको देंगे और कुछ नहीं लेंगे। तो मैं प्रवेश कटियार आप सभी लोगों से पुनः अपील करते हुए कि कमल वाले निशान पर भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाए। जय हिंद, जय भारत।